हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। तो आज जिस वेब सीरीज का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वो है हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई राणा नायडू, जिसमें स्टार कास्ट में है राणा डग्गुपति, वेंकटेश डग्गुपति, सुरवीन चावला और अभिषेक बैनर्जी। ये एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज रे डोनोवैन का इंडियन एडेप्टेशन है। इस वेब सीरीज को बनाया है करण अंशुमन ने, जिन्होंने इससे पहले मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज को भी बनाया है। गाइज, ये राणा नायडू के फोर्थ एपिसोड का एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तब आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो सीरीज का फोर्थ एपिसोड शुरू होता है, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं राणा और नैना ओबी की दिवाली पार्टी से वापस घर आ रहे होते हैं, लेकिन नैना फरजाद की बात सुनकर राणा से नाराज होती है। जैसे ही राणा घर पहुंचता है तब नागा वहां उसका इंतजार कर रहा होता है। नागा को वहां देखकर राणा उसे उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए कहता है, जिस पर नागा उसे बताता है कि उसे पता है राणा ने ही उसे झूठे इल्जाम में जेल भेजा था। प्रिंस की गलती की सजा उसने 15 साल जेल में काट कर बिताई, और क्या होगा अगर नागा उसे उसकी फैमिली से 15 साल के लिए दूर कर दे। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं नागा प्रिंस की फिल्म स्क्रीनिंग पर जाता है, जहां प्रिंस नागा को ऑडियंस में बैठा देख शॉक्ड हो जाता है और वो नर्वस फील करने लगता है। प्रिंस बैक स्टेज जाकर राणा को फोन करता है और उसे बताता है कि उसका बाप नागा उसका पीछा कर रहा है। प्रिंस राणा को इसे डील करने के लिए कहता है, तब राणा श्रीनी को फोन करके नागा पर नजर रखने के लिए बोलता है। आगे नागा ऑडियंस बनकर प्रिंस को बताता है कि उसने एक स्टोरी लिखी है और प्रिंस को उसकी लिखी स्टोरी पर पिक्चर बनाने के लिए कहता है। स्टोरी के बहाने नागा प्रिंस को अपनी कहानी सुनाता है कि हैदराबाद में एक फेमस एक्टर था और वो एक दिन चुपचाप मर्डर करके एक मासूम आदमी को उसके झूठे इल्जाम में फंसाकर मुंबई आ गया और मुंबई आकर इंडिया का सबसे बड़ा स्टार बन गया। लेकिन उस मासूम आदमी को मर्डर के झूठे इल्जाम में 15 साल जेल हुई और उस एक्टर की गलती की सजा उस बेचारे आदमी ने काटी। इससे पहले कि नागा सबको उस एक्टर के बारे में बताता, प्रिंस उससे कहता है कि उसे उसकी कहानी अच्छी लगी और नागा से शाम को आकर उससे मिलने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं वंदना ओबी को हॉस्पिटल लेकर जाती है क्योंकि उसकी हालत बिगड़ रही थी। दूसरी तरफ नागा जफ्फा से पूछता है कि वो महाराज से मिले पैसों का क्या करने वाला है, जिस पर जफ्फा उसे बताता है कि वो FD और गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाला है। तब नागा जफ्फा से कहता है कि वो ब्लैक मनी है और उससे वो पैसा अपने ऊपर खर्च करने के लिए कहता है। जफ्फा नागा को बताता है कि उसे एक नई बाइक पसंद आई है और उसे लेने के लिए कहता है, जिस पर नागा बाइक लेने के लिए मान जाता है। आगे जैसे ही जफ्फा और नागा नई बाइक खरीदने के लिए निकलते हैं तभी वहां पर वही CBI ऑफिसर नागा का वेट कर रहा होता है, जिसे देखकर नागा जफ्फा को अकेले नई बाइक खरीदने भेज देता है और वो ऑफिसर नागा से कहता है कि उसे प्रिंसेस सच उगलवाना है और वहां जरा सी भी गड़बड़ होने पर वो नागा को वापस जेल में डालने की धमकी देता है। तब नागा उसे आज के बाद वहां आने से मना करता है, जहां हम देखते हैं श्रीनी नागा पर नजर रख रहा होता है और वो उसके उस CBI ऑफिसर से मिलते हुए फोटो खींच लेता है। फोटो देखकर राणा लारा से उस ऑफिसर के बारे में पता लगाने को कहता है। तब तूफान और रेहान राणा से मिलने आते हैं। राणा तूफान से पैसे लेकर उससे कहता है कि उसे रेहान का अच्छे से ख्याल रखना होगा, साथ ही शराब और बुरी आदतों से दूर रखकर स्कूल भेजना होगा। तूफान राणा की सारी बातें मान जाता है। रेहान राणा से कहता है कि उसकी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन उसके सौतेले बाप ने उसे नशे की लत लगवा दी, इसलिए वो राणा से उसकी माँ का ध्यान रखने को कहता है। आगे जब जफ्फा नई बाइक लेकर आ रहा होता है तब रास्ते में एक आदमी जफ्फा को फ्लैट दिखाता है और जफ्फा वो फ्लैट खरीद लेता है। जफ्फा का नया फ्लैट देखकर राणा बहुत खुश होता है, लेकिन उस फ्लैट की हालत रहने लायक नहीं होती, जिस पर नागा जफ्फा से कहता है कि एक औरत ही मकान को घर बनाती है। जिसके बाद राणा रेहान की माँ रुखसार के पास उससे रेहान के एडॉप्शन के पेपर्स पर साइन करवाने जाता है, जिस पर रेहान की माँ उससे कहती है कि उसे अपना बच्चा नहीं बेचना। राणा रुखसार को समझाता है कि तूफान रेहान को एक नई और अच्छी जिंदगी देगा और उसे पैसे ऑफर करता है। पैसों का लालच देकर रेहान का सौतेला बाप रुखसार को पेपर्स पर जबरदस्ती साइन करने के लिए धमकाता है, जिस पर राणा उससे कहता है कि उसे उसमें से एक भी रुपया नहीं मिलेगा और वो सारे पैसे सिर्फ रेहान की माँ के हैं। रेहान की माँ सोचने के लिए राणा से वक्त मांगती है और राणा वहां से चला जाता है। आगे शाम को नागा से मिलकर प्रिंस उससे वो पूरी स्टोरी लिखने को कहता है कि वो उसकी स्टोरी पर फिल्म बनाएगा।
लेकिन साथ ही वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि नागा वो स्टोरी सिर्फ उसे देगा और किसी को नहीं। जिसके बाद तेज देखता है कि नर्स ऐना उसे इग्नोर कर रही है, जिस पर तेज ऐना को सरप्राइज देने के लिए राना से उसके एड्रेस का पता लगवाता है और खाना पैक करवा के उसके घर जाता है, जहां वो देखता है कि ऐना पहले से शादीशुदा है और उसका एक लड़का भी है। तेज इस बात से दुखी हो जाता है कि ऐना ने उसे अपनी शादीशुदा वाली बात नहीं बताई। आगे लारा फोन करके राना को रेहान की माँ के घर जाने के लिए कहती है। जब राना श्रीनी के साथ रेहान के घर पहुंचता है तब उसे वहां रुखसार की डेड बॉडी मिलती है, जिसे किसी ने चाकू से मार दिया था। तब राना वहां पूरे घर में एडॉप्शन के पेपर्स ढूंढता है और पेपर्स मिलने पर उन्हें अपने पास रख लेता है। राना को देखकर रेहान का सौतेला बाप वहां से भागने लगता है, तब राना भी उसका पीछा करने लगता है। उसे पकड़ने पर वो राना को बताता है कि उसने रुखसार को नहीं मारा, अगर उसने रुखसार को मारा होता तब वो वापस उसके घर क्यों जाता। जहां राना को पता चलता है कि रेहान की मां रुखसार एक ड्रग डीलर थी और उस पर काफी कर्जा था। जब ड्रग सप्लायर उससे अपना पैसा वापस मांगने आए तब उसने पैसा देने से मना कर दिया, जिस पर उन्होंने उसे चाकू से मार डाला। राना रेहान के सौतेले बाप को 24 घंटे में मुंबई छोड़ने की धमकी देता है। आगे जैसे ही राना अपने घर पहुंचता है तब रेहान गुस्से में राना पर गन पॉइंट कर देता है। रेहान राना से कहता है कि उसने उसकी माँ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन फिर भी उसकी वजह से उसकी माँ की जान चली गई। तब राना अपने एक्सपीरियंस से रेहान से गन छीन लेता है और उसे कंट्रोल में ले लेता है। उनकी आवाज सुनकर तभी वहां तूफान और नित्या आते हैं। तूफान रेहान को शांत करके घर के अंदर जाने के लिए कहता है और नैना नित्या को अपने साथ अंदर ले जाती है। रेहान के जाने के बाद राना तूफान को एडॉप्शन के पेपर्स देते हुए बताता है कि रेहान की माँ ड्रग डीलर थी, लेकिन कर्जा ना चुकाने की वजह से उन लोगों ने उसे मार डाला। राना तूफान से कहता है कि ये बात रेहान को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि उसकी नजर में उसकी माँ एक अच्छी औरत थी। रेहान को बस ये पता होना चाहिए कि रेहान का सौतेला बाप उसकी माँ को मारकर मुंबई से भाग गया। राना तूफान को उसकी गन वापस देकर घर आता है, जहां नैना उससे पूछती है कि बाहर ये सब क्या हो रहा था, लेकिन राना उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी श्रीनी राना को फोन करके बताता है कि नागा के साथ जो आदमी था उसके बारे में पता चल गया। राना श्रीनी के साथ उस ऑफिसर के घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि वो आदमी एक सीबीआई ऑफिसर एजाज शेख है। उसके घर के सीक्रेट ऑफिस में जाकर राना देखता है कि एजाज शेख उसके बारे में सब कुछ जानता है और वो उसे पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसी के साथ राना नायडू का 4th एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आप लोग पार्ट 5 पर क्लिक करके देख सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक द वीडियो और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे आप किस मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।